नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज़ वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। बिहार शरीफ के आईएमए भवन से डॉक्टरों द्वारा राजस्थान की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाली गई। मार्च में आईएमए भवन से निकलकर हॉस्पिटल मोड़ पहुंचा, जहां एल डॉक्टरों ने कैंडल जलाकर डॉक्टर अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कैंडल मार्च के माध्यम से डॉक्टरों ने पीड़ित परिवार समेत पूरे देश के डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग करते हुए घटना की तीव्र निंदा की। दरअसल डॉक्टर अर्चना ने एक महिला का डिलीवरी करवाया था और वह बच नहीं सकी। उसके बाद डॉक्टर अर्चना के ऊपर 302 का केस, उन्होंने अपने एम्बुलेंस से घर भेज दिया। उसके बाद कोई पॉलिटिशियन और लोकल नेता और पुलिस प्रशासन मिलकर उन पर दफा 302 का केस लगा दिया और इसमें उनको लगा कि मैं जेल चली जाऊँगी और उसमें उन्होंने सुसाइड कर लिया और उनके साथ भी निगोशिएट भी करने की कोशिश कर ली। 50 लाख रुपया दो, एक सिंपल सा डॉक्टर के लिए 50 लाख रुपया छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ठीक है। और वो अरेंज करने में सक्षम थे और उसके चलते उन्होंने सुसाइड कर दिया। एक तो बदनामी और दूसरा चलती कि इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे इस तरह से किया गया। उसी के विरोध में हम लोगों ने ये कैंडल मार्च निकाला है कि लोगों को बता दिया जाए कि आप। नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूं आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज़ वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें।